क्या आप अपने लिए 100cc के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हैं? वैसे तो हीरो की 100cc के सेगमेंट में अभी तक दो बाइक आती थी, HF डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली रीलॉन्च कर दी है पैशन प्लस को, तो अब जो कन्फ्यूज़न है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यदि आप कन्फ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं इन तीनों बाइक्स के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक कंपैरिजन के साथ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर किए देता हूँ, इसमें सबसे सस्ती है HF डीलक्स, उसके बाद में स्प्लेंडर प्लस और सबसे महंगी है पैशन प्लस। ठीक है, आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इनके कलर की। ये सभी बाइक्स जो हैं मल्टीपल कलर्स में आती हैं, कलर एंड डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद हो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। HF डीलक्स 112 किलो की है, इसकी सीट हाइट 805 mm की है और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है। स्प्लेंडर प्लस 112 किलो की है, इसकी सीट हाइट 785 mm की है, यानी कि जिस किसी की भी हाइट कम है ये बाइक उनके लिए सबसे बेहतर है, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है। पैशन प्लस 115 किलो की है, इसकी सीट हाइट 790 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का मिलता है। इनको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये है इनकी प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, HF डीलक्स, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्लस। आइए राइट साइड से दिखाता हूँ, पैशन प्लस, स्प्लेंडर प्लस, HF डीलक्स। ये है इनकी फ्रंट प्रोफाइल, ये देखिए पैशन प्लस जो है ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, इसमें हेड जो है डुअल टोन में मिलता है और इनमें सिंगल टोन में है। ये देखिए हेडलैम्प इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में ही सेटअप मिलता है। ये देखिए इसमें एडिशनल पायलट लैंप मिल जाती है और इसमें भी पायलट लैंप मिलती है, इसमें पायलट लैंप नहीं मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। फ्रंट में तीनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। तीनों ही बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में जो टायर साइज है वो भी लगभग तीनों ही बाइक में सेम मिलता है। HF डीलक्स जो है वो अब दो वेरिएंट में हो गई है। पहले इसमें केवल और केवल ट्यूब वाले ही टायर आते थे, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च की है, यानी कि इसको अपडेट किया है, उसमें अब ट्यूबलेस टायर भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है तीनों बाइक जो है ट्यूबलेस टायर में मिल जाती हैं। उसके साथ में एडिशनल पॉइंट ये है कि आप उसको ट्यूबलेस टायर में भी ले सकते हैं और ट्यूब वाले टायर के साथ में भी ले सकते हैं। टायर साइज़ है इनका फ्रंट का 80/18 और इसका है 2.75/18। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इन तीनों ही बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में तीनों में ही 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। HF डीलक्स में 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और इसमें लगभग 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है स्प्लेंडर प्लस में, और इसमें 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा इसमें है। आइए अब इनके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर ये देखिए लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंडल पर यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिलता है। चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है, नॉर्मल है। इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, राइट साइड में फ्यूल गेज, चेक इंजन इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर और न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है। देखते हैं स्प्लेंडर प्लस को, इसमें भी देखिए जो बटन हैं, स्विचेस हैं, सब कुछ सेम मिलते हैं। मीटर भी लगभग सेम ही है और इसमें एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है, ये देखिए लेफ्ट साइड में USB-A पोर्ट मिल जाता है, जिसकी सहायता से इमरजेंसी में आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। आइए देखते हैं पैशन प्लस को, यहाँ पर चीज़ें जो हैं अपडेटेड देखने को मिलती हैं। लेफ्ट साइड में देखिए डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड सेल्फ का स्विच। चाबी कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में मिलती है और इसमें भी लेफ्ट साइड में ये देखिए USB-A पोर्ट मिल जाता है इमरजेंसी में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है, सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर और यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और इसमें I3S की भी टेक्नोलॉजी मिल जाती है और इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। आइए गाइस अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इनके इंजन की। इन तीनों ही बाइक में 97.2cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व हीरो कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में एक बेहतर क्वालिटी का इंजन मिलता है और तीनों के इंजन से लगभग पावर और टॉर्क लगभग बराबर ही मिलते हैं
और तीनों ही बाइक में चार गियर मिलते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। तीनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। तीनों ही बाइक के साथ में एक एडिशनल पॉइंट है, तीनों ही बाइक में यूटिलिटी बॉक्स मिल जाते हैं। ये देखिए साइड पैनल का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है। HF Deluxe को मेंशन किया है, स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया है, उधर i3s को मेंशन किया है। सीट का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, इसकी ज़्यादा स्लीक रखी है, पतली भी है, ठीक है। क्रेवरिल का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, स्प्लेंडर प्लस इसकी और भी ज़्यादा स्लीक रखी है, चौड़ी कम है। ये देखिए क्रेवरिल का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है और इसकी सीट जो है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। क्रेवरिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। तीनों ही बाइक में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तीनों ही बाइक में चेन साइड कवर मिल जाता है, इसमें फाइबर का मिलता है और स्प्लेंडर प्लस में मेटल का मिलता है भाई, और इसमें भी फाइबर का ही है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो तीनों ही बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तीनों ही बाइक में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। बात कर लेते हैं टायर साइज की। टायर साइज भी तीनों ही बाइक में सेम मिलता है, जो कि है 8018 और HF Deluxe में मिलता है, ये देखिए 2.7518। यदि आप इसका ट्यूबलेस टायर वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें भी 8018 का ही ट्यूबलेस टायर मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। HF Deluxe, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्लस, टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर जो हैं सभी में ही हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलते हैं। कोई भी डेडिकेटेड यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट नहीं मिलती है, टेल लाइट ही नंबर प्लेट लाइट का भी काम कर देती है, लेकिन यहाँ पर एडिशनली रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। HF Deluxe Splendor Plus, Passion Plus, आपको किसका इंजन का साउंड ज़्यादा बेहतर लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तीनों ही बाइक्स जो हैं हीरो कंपनी की हैं, इस वजह से इन पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है और 70,000 किलोमीटर तक कंपनी वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई देखो HF Deluxe से थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज निकाला जा सकता है, लोगों ने तो इससे 80 प्लस भी माइलेज निकाला है, ठीक है। स्प्लेंडर से लगभग 70-75 के बीच में आराम से माइलेज निकाला है लोगों ने, और पैशन प्लस जो है ये लगभग निकाल कर दे देती है 65-70, यानी कि 65-70 के बीच में, ठीक है। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। गाइस इसकी एक शोरूम प्राइस है HF Deluxe की लगभग 66,066 रुपये, ठीक है, और इसकी एक शोरूम प्राइस है 74,000 यानी कि 74,000 रुपये, और इसकी एक शोरूम प्राइस है पैशन प्लस की लगभग 77,000 रुपये, ठीक है। आइए अब मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। HF Deluxe ऑन रोड लगभग आपको 82,082,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और स्प्लेंडर प्लस ऑन रोड लगभग आपको 90,000 यानी कि 90,000 के आसपास मिल जाएगी, और पैशन प्लस लगभग आपको 92,000 यानी कि 92,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके केवल रफ आइडिया ही माने, ठीक है, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए गाइस अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हीरो HF Deluxe की। गाइस ये बाइक जो है अब अपडेट हो गई है, इसमें अब ट्यूबलेस टायर भी आने लगे हैं। ट्यूब टायर के साथ में भी ले सकते हो और ट्यूबलेस टायर में भी ले सकते हो, ठीक है। और ये वाली बाइक जो है रिसेंटली रीलॉन्च की गई है कस्टमर की डिमांड पर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको पसंद करते थे, पहला प्यार भी लोग इसको बोलते थे, ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आना बंद हो गई थी। फाइनली ये बाइक अब जो है अब वापस से आ गई है, और स्प्लेंडर प्लस के साथ में क्या है, ये बाइक जो है एवरग्रीन एक बाइक है, सदाबहार बाइक है, सभी लोग इसको पसंद करते हैं। स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्लस में USB A चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और इसमें नहीं मिलता है।
ठीक है, HF डीलक्स में। मेरे फाइनल बजट की अगर बात की जाए तो भाई ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। यदि आपका बजट कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बजट अगर ठीक ठाक है तो उसकी तरफ जा सकते हैं, और यदि आपका बजट हाई है, आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, और आपने अपने लिए इनमें से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।